तो बेटे स्ट्रक्चर को मजीद थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं जी। तो यहां पर आप देख सकते हैं बेटे कि आपको यहां पर F1 पार्टिकल्स भी दिखाई दे रहे हैं, ये आप देख सकते हैं इनको F0 और F1 कॉम्प्लेक्सेस और पार्टिकल्स कहते हैं, जो कि ये आप देख सकते हो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है और इसके मेम्ब्रेन के ऊपर ये देखिए ये छोटे छोटे व्हाइट कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये चीजें ये सारी क्या हैं, दीज आर F1 पार्टिकल्स। इस फिगर के अंदर देखिए, इस फिगर के अंदर आपको मजीद डिटेल इसकी दिखाई जा रही है, ठीक है। ये आपको ब्राउन कलर के दिखाई दे रहे हैं, दीज आर F1 पार्टिकल्स, ठीक है। F1 पार्टिकल्स का किरदार जो है आपके पास ATP सिंथेसिस में है, इसके बगैर ATP सिंथेसाइज नहीं हो सकती। कहाँ प्रेजेंट है F1 पार्टिकल्स, दीज आर नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट ऑन इनर फोल्डेड माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, यानी कि इन साइड ऑफ द क्रिस्टी। अच्छा यहाँ पर एक और चीज आप देख लीजिए कि ये जो फोल्डिंग्स है ना, इनर फोल्डिंग्स, ये आप देख सकते हो ये वाली, एक ये इनर फोल्डिंग हो गई, एक ये इनर फोल्डिंग हो गई, ये क्या कहलाती है, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टी। इस फिगर में बेटे एक और एस्पेक्ट दिखाया जा रहा है, ये आपके पास क्या है, अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से माइटोकॉन्ड्रिया को देखोगे तो आपको कुछ इस तरह की शक्ल दिखाई देगी उनकी, ठीक है। आप देख सकते हो इसकी आउटर जो है ना बाउंड्री है, ये आप देख सकते हैं आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है ये चीज, और उसके बाद एक इसकी इनर है, ये आप देख सकते हैं अंदर इनर, और ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये क्या चीजें हैं, ये जो इस तरह की दिखाई दे रही हैं आपको, दीज आर कॉल्ड क्रिस्टी, ये आप देख सकते हो दीज आर कॉल्ड क्रिस्टी। और इनर क्या है आपके पास, मेट्रिक्स मौजूद है। तो आपके पास जो आप कलरफुल पिक्चर्स देखते हो वो तो आपको इलस्ट्रेशन के लिए दिखाई जाती हैं, एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसमें कलर्ड पिक्चर्स आपको दिखाई नहीं देती हैं। जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं, ये अब इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बेटे आपको यहाँ दिखाई जा रही है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको डिफरेंट जो ये प्रोटीन्स हैं, ठीक है, ये प्रोटीन है, नेक्स्ट प्रोटीन है, फिर अगली, फिर ये डिफरेंट प्रोटीन्स हैं। अब प्रोटीन्स में ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है जी, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि जंप कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन की जंपिंग होती है, मूवमेंट होती है, आप देख सकते हो ये सारी जंपिंग और मूवमेंट हो रही है, तो क्या चीज़ बन रही है यहाँ पर, यहाँ पर आपके पास क्या चीज़ बन रही है, फाइनली ATP। तो इसको क्या बोलते हैं बेटे आप, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, पढ़ी है ना आप लोगों ने, रिस्पायरेटरी चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ होती है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटो कॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है जी। दैट वाज ऑल अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज अबाउट द नेक्स्ट ऑर्गेनेली जो कि प्रेजेंट होता है आपके पास प्लांट सेल्स के अंदर या फोटोसिंथेटिक सेल्स के अंदर, ऑटोट्रॉफिक सेल्स के अंदर। ऑटोट्रॉफिक सेल्स मीन जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, एंड वी नो दैट ऑटोट्रॉफिक सेल्स मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं, कि वो लाइट की एनर्जी को कैप्चर करते हैं और उसको पकड़ के बना देते हैं बॉन्ड, ठीक है। और वो आपको किस फॉर्म में मिलता है, आपको ग्लूकोज की फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में मिलता है। वो अगर वो प्लांट उसको स्टोर कर ले इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, फिर आपको प्रोटीन की फॉर्म में मिलेगा, लिपिड्स की फॉर्म में मिलेगा, जो कि पौधों से हासिल होता है। हमें पता है कि जानदार अपनी एनर्जी खुद नहीं बना सकते, अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, बल्कि ऑलरेडी किसी के बनाए हुए फूड में से एनर्जी लेंगे। तो हम किससे एनर्जी लेते हैं, हम प्लांट्स से एनर्जी लेते हैं, डायरेक्ट पी लेते हैं, डायरेक्ट प्लांट्स को खाते हैं, या फिर उन जानवरों को खाते हैं जो कि प्लांट्स को खाते हैं, इनडायरेक्ट पी लेते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कौन से ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं, कौन सा ऐसा जादू भरा जो है ना जिस्म या अजसाम मौजूद हैं आपके पास प्लांट सेल के अंदर, जो कि ये इतना बड़ा इंपॉर्टेंट काम सर अंजाम देते हैं कि वो सूरज की एनर्जी को पकड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को जोड़ के आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, और यही वो बॉन्ड है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया तोड़ता है और उसको ATP में कन्वर्ट करता है, और फिर ATP वो फॉर्म है जिसके अंदर हम एनर्जी को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली हम सनलाइट को ही यूटिलाइज कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा ऑर्गेनेल है, दैट इज प्लास्टिड, ठीक है, और उसमें क्लोरोप्लास्ट बेसिकली ये काम कर रहा है। लेकिन क्या प्लास्टिड सिर्फ क्लोरोप्लास्ट ही होते हैं, ये और भी तरह के होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है और ये काम कैसे सर अंजाम देते हैं, तो ये सारी बातें हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो बेटे प्लास्टिड्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। प्लास्टिड्स क्या होते हैं बेसिकली, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंडेड इट मीन्स कहाँ प्रेजेंट है, यूकेरियोट्स में प्रेजेंट है मोस्टली, ठीक है। और क्या है मेम्ब्रेन बाउंडेड, तो आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी थे, तो व्हाट स्पेशल अबाउट दी प्लास्टिड्स, दीज आर मोस्टली पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज,
ठीक है, जो कि आपके पास मोस्टली प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली क्या बल्कि प्रेजेंट ही प्लांट सेल्स के अंदर होते हैं और एलजी वगैरह के अंदर होते हैं. ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड प्लास्टिड्स. व्हाट्स आर प्लास्टिड्स? अगर डेफिनेशन पूछी जाए आपसे कि आप डिफाइन करें एक लाइन में, तो आप बताओगे दीज आर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, मोस्टली पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज विच आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स और प्लांट सेल्स, मोस्टली आर कॉल्ड प्लास्टिड्स. बेसिकली तो बेटे आपके पास प्लास्टिड्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, बट जो मेन फोकस है और जो इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तीन है यहाँ पर. ठीक है, जिनमें से पहला जो है वो है क्लोरोप्लास्ट, जो कि आपको पता है कि आप इससे फेमिलियर हो कि प्लांट सेल्स में अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं. फोटोसिंथेटिक जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें, और आपको पता है कि ग्रीन कलर प्लांट्स का किस वजह से होता है, इन्हीं क्लोरोप्लास्ट की वजह से. ठीक है, क्यों जी? क्योंकि इनके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है इन प्लास्टिड्स के अंदर, जिनको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं, जिसकी बेस पे हम क्या कहते हैं, वो प्लास्टिड्स जिसके अंदर ग्रीन पिगमेंट या क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो उनको हम कौन से प्लास्टिड्स कहेंगे, क्लोरो प्लास्ट. ठीक है, अब क्लोरोफिल करता क्या है? क्लोरोफिल बेटे आपके पास लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जो सनलाइट होती है उसको एब्जॉर्ब करेगा, और साथ में फिर क्या करेगा, यानी विजिबल लाइट को, लाजमी नहीं सनलाइट आप बल्ब की रोशनी से भी वो एब्जॉर्प्शन कर लेगा, लेकिन आपके पास, आपको पता है सनलाइट जो है ना वो प्लांट ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं फूड की सिंथेसिस के लिए, तो ये एब्जॉर्ब करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा इनटू केमिकल एनर्जी, और केमिकल एनर्जी फूड की फॉर्म में होती है, तो वो मैन्युफैक्चर करेगा फूड को. क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल को अगर हम डिटेल में देखें, तो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल जो है उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द हीमोग्लोबिन, बिल्कुल उससे मिलता जुलता है. ठीक है, फर्क क्या होता है, और हीमोग्लोबिन आपको पता है ये क्या है, एक प्रोटीन है जो कि ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन को, ब्लड के अंदर मौजूद होती है रेड ब्लड सेल्स के अंदर. ठीक है, आपके पास क्या करता है ये क्लोरोफिल, एनर्जी को कैप्चर करता है. वो किसको कैप्चर कर रहा है, वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है ऑक्सीजन को. डिफरेंस दोनों में क्या होगा, एक चीज का डिफरेंस है, क्लोरोफिल में आपके पास मैग्नीशियम आयंस मौजूद होंगे सेंट्रल रिंग के अंदर, और जो आपके पास हीमोग्लोबिन है उसके अंदर आयरन या हीम ग्रुप होगा. हीम को आपको पता है क्या बोलते हैं, हम आयरन बोलते हैं. ठीक है जी, जी तो बेटे आपके पास जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इनका जो साइज है और जो उनकी शेप है, वो आपके पास वेरी करती है, जैसे आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया की वेरिएबल थी. ठीक है, लेकिन अगर जनरली देखा जाए तो उनका जो डायामीटर है वो कितना होता है, वो 4 to 6 माइक्रोमीटर होता है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको अपने माइंड में रखिए एमसीक्यूज़ के हवाले से भी. और अगर आप इसमें लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर आप इनको देखते हैं, तो ये आपको हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर दिखाई देंगे मुख्तलिफ नौयत के, जिसके अंदर आपको छोटी छोटी ग्रेन्यूल्स दिखाई देंगे, ग्रेना. ठीक है, उनके मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड फॉर्म में. लेकिन अगर आप इसका डिटेल स्ट्रक्चर देखें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तो इसमें आपको बेटे 3 कंपोनेंट्स दिखाई देंगे. एक इसका आउटर मोस्ट इन्वेलप होगा, दूसरा इसका स्ट्रोमा होगा, तीसरा इसका थैलाकॉइड होगा. तो 3 स्ट्रक्चर आपको बेसिकली नजर आएंगे, यानी इट कंप्राइज ऑफ 3 मेन पार्ट्स, इन्वेलप, स्ट्रोमा एंड थैलाकॉइड. अब इन्वेलप को देखते हैं, इन्वेलप क्या है, इन्वेलप आपके पास डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन का बना हुआ एक छिलका सा है, एक इन्वेलप है जिसका आउटर मोस्ट कवरिंग है, जिसको कवर करता है, और इसके अंदर मौजूद होता है स्ट्रोमा. स्ट्रोमा जो है वो ज्यादातर वॉल्यूम घेर लेता है क्लोरोप्लास्ट का, और स्ट्रोमा क्या है, बेसिकली स्ट्रोमा एक फ्लूइड है जो कि थैलाकॉइड को सराउंड करता है. इसके अंदर होती क्या है, इसके अंदर प्रोटीन्स हैं, राइबोसोम्स हैं, और सर्कुलर डीएनए मौजूद होता है, यानी डीएनए सर्कुलर फॉर्म में मौजूद होगा, जो ताकि वो स्टेबल रहे ना, स्टेबिलिटी की अलामत है ये. फिर क्या है जी, आपके पास जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के अंदर आता है वो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट के किस पार्ट में जाएगा, इसी फ्लूइड पार्ट में, यानी कि स्ट्रोमा के अंदर. और यहाँ पर अभी हमने पढ़ा बहुत सारी प्रोटीन्स हैं, यानी एंजाइम्स हैं, जो कि फिक्स करेगा इस कार्बन डाइऑक्साइड को, पकड़ेगा और उसको फिक्स कर देगा टू फॉर्म द शुगर्स. और हमें पता है कि वो डार्क रिएक्शंस में, डार्क फेज में, केल्विन साइकिल में वो होता है, जो कि इंशाल्लाह फोटोसिंथेसिस में आप डिटेल में पढ़ेंगे आगे. ठीक है जी, इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कहाँ होती है, स्ट्रोमा के अंदर. एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं आपसे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कहाँ हो रही है, स्ट्रोमा के अंदर हो रही है. ठीक है, फिर लाइट कैप्चरिंग कहाँ होती है, आगे बढ़ते हैं. आपके पास कुछ प्रोटीन्स जो है वो यहाँ बनती हैं, क्योंकि हमने पढ़ा इसके अंदर राइबोसोम्स भी हैं, तो कुछ प्रोटीन भी यहाँ पे बनती हैं. अब जो थैलाकॉइड थर्ड पार्ट है इसका, थैलाकॉइड जो है ये क्या होती हैं, ये आपके पास चिपटी सी बोरियोनोमा स्ट्रक्चर होता है, यानी फ्लैटेंड वेसिकल्स होती हैं, जो कि अरेंज होती हैं एक दूसरे के ऊपर, रखी हुई होती हैं जैसे सिक्के एक दूसरे के ऊपर पाइल अप हुए हुए हों, और वो जो स्ट्रक्चर बन जाता है इन थैलियों के, इन वेसिकल के एक दूसरे के ऊपर अरेंज होने की वजह से, उस स्ट्रक्चर का नाम हम क्या कहते हैं, वो क्या है, दैट इज ग्रेना. ठीक है, और बीच में कुछ मेम्ब्रेन हैं जो इन ग्रेना को आपस में इंटरकनेक्ट करेंगी, उनको हम क्या कहेंगे, इंटरग्रेना. तो क्या है बेटे,
आपके पास आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन जो कि डबल मेम्ब्रेन है, बेसिकली एनवेलप, आउटर मोस्ट एनवेलप जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है. इसके बाद इनर स्पेस जो है फ्लूइड फिल्ड है, जिसको हम स्ट्रोमा कहेंगे. उसमें आपके पास राइबोसोम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, सर्कुलर डीएनए मौजूद है जो कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सेशन भी इसकी करवा रहा है और प्रोटीन भी कुछ प्रोड्यूस कर रहा है. इसके बाद इनर थैलाकॉइड्स हैं, दीज आर बेसिकली फ्लैटेंड वेसिकल्स जो दूसरे के ऊपर अरेंज हैं, और इससे क्या बन रहा है, ग्रैना इंटर ग्रैना. अब ग्रैना क्या है बेसिकली, ग्रैना आपके पास ऐसे है बिल्कुल कि जैसे आपके पास सिक्के एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हो. तो थैलाकॉइड एक सिक्का समझ लें, और उसके ऊपर आपके पास एक दूसरे के ऊपर थैलाकॉइड यानी बोरियां जैसे होती हैं, आपके पैकेट्स होते हैं, एक दूसरे के ऊपर अरेंज हुए हुए हों, और वो स्फेरिकल सा होता है तो उसको थैलाकॉइड बोल देंगे. ठीक है, तो वो आपके पास जो पूरा एक जो पाइल अप पूरा ढेर सा बन जाएगा उसको हम क्या बोल रहे हैं यहां पर, ग्रैना. और आपके पास ये एमसीक्यू के हवाले से अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जो एवरेज यानी जनरली 50 या उससे ज्यादा थैलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर पाइल अप होके एक ग्रहणा बनाते हैं. ठीक है, एक ग्रहणा के अंदर ऑलमोस्ट कितने होते हैं थैलाकॉइड, 50 और मोर. अब जो आपके पास एक लेयर होती है थैलाकॉइड की, मतलब जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है थैलाकॉइड्स की बेसिकली, ठीक है, वो जो मेम्ब्रेन्स हैं उसके ऊपर अरेंज होते हैं आपके पास पिगमेंट्स. और आपको पता है हम क्लोरोप्लास्ट पढ़ रहे हैं, तो कौन सा पिगमेंट होगा, क्लोरोफिल. तो आपके पास थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर कौन से मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि थैलाकॉइड ग्रीन कलर का है, तो थैलाकॉइड ग्रीन कलर ही होता है. अब जो मेम्ब्रेन कनेक्टेड है दो ग्रैना के बीच में उसको हम क्या कहेंगे, अगर उसका काम कनेक्शन क्या है तो उसका नाम क्या है, इंटरग्रैना. ठीक है, तो आपके पास हर एक ग्रैना इंटरकनेक्टेड है दूसरे ग्रैना के जरिए, दूसरे ग्रैना के पास, और उस मेम्ब्रेन को जो उसको कनेक्ट करती है वो ग्रीन नहीं होती. सिर्फ ग्रीन कौन सी मेम्ब्रेन होती है, जो थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन होती है. जो थैलाकॉइड के दरमियान मेम्ब्रेन होती हैं जिनको हम इंटरग्रैना कह रहे हैं, वो आपके पास कलरलेस होती है, वो नॉन ग्रीन पार्ट है. ठीक है, अब जो आपके पास मेम्ब्रेन्स हैं ग्रैना की, ये वो जगह है जो कि ग्रीन है, इसके साथ क्या है, पिगमेंट है ना. तो पिगमेंट का काम क्या होता है, टू एब्जॉर्ब. व्हाट इज पिगमेंट, डेफिनेशन ऑफ पिगमेंट क्या होती है, यानी केमिकल दैट एब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी और इम्पार्ट सम कलर, दैट इज नोन एज पिगमेंट. तो यहां पर क्या होगा, आपके पास जो क्लोरोफिल है वो एब्जॉर्ब करेगा लाइट को. तो इट मींस कौन एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट को, मेम्ब्रेन्स ऑफ ग्रैना यानी कि थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स जो है वो आपके पास पिगमेंट एब्जॉर्ब कर रही है. तो इट मींस लाइट रिएक्शन कहां हो रहा होगा, थैलाकॉइड में. डार्क रिएक्शन कहां हो रहा था, अभी हमने पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कहां हो रही थी, स्ट्रोमा में. लाइट रिएक्शन कहां हो रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स में. अभी आपने दो चीजें ऊपर पढ़ी हैं जो हम जल्दी जल्दी से पढ़ के आए हैं, जो कि आप लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया में भी शायद पढ़ी थी. इसके अंदर सर्कुलर डीएनए भी मौजूद है और कुछ राइबोसोम्स भी और कुछ प्रोटीन भी सिंथेसाइज कर रहा है. तो इट मींस ये भी क्या है, एग्जैक्टली ये भी आपके पास सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है. ये तो आपकी एक फॉर्म हो गई, दैट इज क्लोरोप्लास्ट. अब चलते हैं नेक्स्ट, जो आपके पास जो फॉर्म है प्लास्टिड की, दैट इज क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट बेसिकली आपके पास ग्रीन प्लांट ग्रीन कलर के अलावा जो आपके पास कलर्स होते हैं, पिंक, ब्लू, रेड, ठीक है, मरून, डिफरेंट तरह के जो डिफरेंट कलर्स, और बट अदर देन ग्रीन वो जो कलर्स हैं वो किसकी वजह से होते हैं प्लांट्स में, मोस्टली क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं. कहाँ प्रेजेंट होते हैं क्रोमोप्लास्ट, पेटल्स में होते हैं फूलों की, या जो आपके फल वगैरह होते हैं, जैसे आप अनार देख लें रेड कलर का, ठीक है, इसी तरीके से आप अंगूर देख सकते हैं, इसी तरीके से आप मतलब जो फ्रूट्स होते हैं उनमें डिफरेंट कलर जो होता है उसके छिलके का, उसके अंदर भी, वो मैंगो हो गया उसमें येलो कलर है, तो ये किस वजह से होता है, आपके पास मोस्टली क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है. और फ्लावर्स के भी डिफरेंट कलर्स होते हैं यानी फूलों की पत्तियों में भी. काम क्या करते हैं ये, जाहिर सी बात है ये अट्रैक्ट करते हैं आपके पास पोलिनेटर्स को, डिफरेंट इंसेक्ट्स को, बटरफ्लाई को, हनी बी वगैरह को, ताकि पोलिनेशन हो. पोलिनेशन का मतलब क्या होता है, पोलन जो है ना एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफर हो जाए ताकि फर्टिलाइजेशन हो जाए और फिर आगे फ्रूट्स वगैरह बने. इसके अलावा सीड की डिस्पर्सल में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. कलरफुल सीड्स होते हैं, पौधे इसको परिंदे इसको खाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर वो ट्रांसफर हो जाता है. तो दिस इज द रोल ऑफ क्रोमोप्लास्ट. क्रोमा मीन कलर, ठीक है, तो उस तरीके से आप इसको याद रखिएगा. क्लोरो से फिर आप ग्रीन, तो आप उस तरीके से याद रखिएगा. एक और इंपॉर्टेंट प्लास्टिड रह गया है, दैट इज लीकोप्लास्ट. लीकोप्लास्ट आपके पास कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता. फिर इनका काम क्या होता है, काम से पहले हम इनकी शेप देख लेते हैं. ये ट्राइंगुलर त्रिकोण हो सकते हैं, आपके पास ट्यूबुलर ट्यूब शेप हो सकते हैं, या दूसरी कुछ और शेप्स भी होती हैं. मोस्टली ये अंडरग्राउंड जो पार्ट्स होते हैं, पौधे के जो हिस्से होते हैं उसमें मौजूद होते हैं, जैसे आपके पास शलजम हो गया, जैसे आपके पास मूली हो गई, ठीक है, ऐसे जगहों पर ये मौजूद होते हैं. ऑब्वियसली फिर ऐसी जगहों पर मौजूद हो तो क्या करेंगे ये, येस यू आर राइट, दे स्टोर द फूड. ठीक है जी, तो अभी एक
जल्दी से तेजी के साथ हम प्लास्टिड्स का एक छोटा सा रीकैप कर लेते हैं। जी तो बच्चे प्लास्टिड्स क्या होते हैं आपके पास? प्लास्टिड्स आर मेम्ब्रेन बाउंडेड कलर कंटेनिंग बॉडीज, ठीक है, विच इम्पार्ट कलर टू दी प्लांट पार्ट्स एंड ऑल्सो परफॉर्म वेरियस फंक्शन, कुछ और फंक्शन भी करते हैं। बहुत सारी तरह के होते हैं जैसे मैंने आपको बताया भी था। बेसिकली जब ये बनते हैं तो सबसे पहले क्या होता है आपके पास? प्रोप्लास्टिड होता है, इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, एटियोप्लास्ट भी है और डायरेक्ट भी क्लोरोप्लास्ट बनता है, एटियोप्लास्ट भी क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है और क्लोरोप्लास्ट की ही एक टाइप आप समझ रहे हैं क्रोमोप्लास्ट भी है। अगर उसमें ग्रीन कलर होगा तो वो क्या होगा? वो क्लोरोप्लास्ट होगा और अगर उसमें डिफरेंट कलर्स आ जाएंगे तो वो क्रोमोप्लास्ट बन जाएगा। इसके जो दूसरी टाइप है प्रोप्लास्ट से, वो लीकोप्लास्ट बनती है। अब लीकोप्लास्ट का काम है स्टोरेज का। लीकोप्लास्ट के आगे से डिफरेंट टाइप्स हैं, अमाइलोप्लास्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, इलायोप्लास्ट भी हो सकते हैं, प्रोटीनोप्लास्ट भी हो सकते हैं, डिफरेंट तरह की इसकी टाइप्स हैं। तो जो हमने तीन बेसिक टाइप्स पढ़ी हैं वो कौन कौन सी पढ़ी हैं? हम लोगों ने तीन बेसिक टाइप्स में पढ़ा है जी आपके पास, एक तो क्रोमोप्लास्ट, दूसरा हमने पढ़ा है क्लोरोप्लास्ट और तीसरा हमने पढ़ा है लीकोप्लास्ट। इसकी मजीद आगे हमने डिटेल नहीं पढ़ी है। और इनके इंपॉर्टेंट रोल्स क्या हैं? जिनके इंपॉर्टेंट रोल्स आप देख सकते हैं यहाँ पर कि क्लोरोप्लास्ट क्या करता है आपके पास ग्रीन पहले तो होता कहाँ पे है आपके पास? ग्रीन जो एरियल पार्ट्स हैं मोस्टली लीफ हो गया, स्टेम हो गया, वहाँ पर होता है। और इसके अंदर चूंकि क्लोरोफिल होता है तो ये क्या करता है आपके पास? फोटोसिंथेसिस करता है और आपके पास क्या करता है? ग्लूकोज को न सिर्फ प्रोड्यूस करता है बल्कि स्टोर भी करता है। फिर आपके पास आ जाते हैं जी आपके क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है ये आपके पास इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? ऊपर तो हमने पढ़ा इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, यहाँ पर क्या होता है? इसके अंदर कैरेटिनॉइड्स होती हैं जो रेड और ऑरेंज कलर की होती हैं, इसके अलावा येलो पिगमेंट्स भी इसके अंदर होते हैं और ये आपके पास फ्लावर एंड फ्रूट में मौजूद होता है। देन कम्स द लीकोप्लास्ट। लीकोप्लास्ट जो है आपके पास इसके अंदर कोई पिगमेंट नहीं होता और मोस्टली ये स्टार्च स्टोर, सिर्फ स्टार्च नहीं और भी बहुत सारी स्टोरेज जो है ना इसके अंदर होती है, जो के टाइप्स ऑफ लीकोप्लास्ट में आप पढ़ेंगे कि ये स्टार्च के अलावा और भी चीज़ें स्टोर करता है जी। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि प्लास्टिड उसकी टाइप्स जो है, यहाँ पे आप देख लें बेटे आपको क्या नजर आ रहा है? यहाँ पर इटियोप्लास्ट दिखाई दे रहा है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरो, लीकोप्लास्ट, माइलोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट एंड प्रोटीनोप्लास्ट आपको दिखाई दे रहा है। जैसे कि आपके पास इटियोप्लास्ट क्या है? जिसे क्रिस्टलाइन आपके पास होता है, बॉडीज होती हैं जो कि क्लोरोफिल को बनाती हैं, प्रिकर्सर्स हैं उनका, यानी बनाने में हेल्प आउट करती हैं। इसके अलावा क्रोमोप्लास्ट पिगमेंट सिंथेसिस में हेल्प आउट कर रहा है और स्टोरेज में भी कहीं ना कहीं हेल्प आउट कर रहा है। फोटोसिंथेसिस और लिपिड सिंथेसिस कहाँ हो रही है आपके पास? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। लेकिन बेसिकली बनेगी यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में पहले ग्लूकोज और बाद में वो कन्वर्ट होगा इनटू दी लिपिड्स। इसके बाद लीकोप्लास्ट जो है, अभी देखें यहाँ पे सिंथेसिस है फैटी एसिड की भी और अमाइनो एसिड्स की भी, लेकिन आगे इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। अगर तो ये लीकोप्लास्ट अमाइलोप्लास्ट है तो ये स्टार्च और शुगर को करेगा, अगर लायोप्लास्ट है तो वो लिपिड को और ऑयल को स्टोर करेगा, और अगर वो प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट हो गया है तो वो आपके पास प्रोटीनोप्लास्ट होगा। यानी बेसिकली लीकोप्लास्ट का काम है स्टोरेज। अगर वो स्टोरेज प्रोटीन की है तो वो आपके पास प्रोटीनोप्लास्ट होगा, अगर वो लिपिड की है तो वो एलायोप्लास्ट हो जाएगा, अगर वो स्टोरेज स्टार्च की फॉर्म में ही स्टोर कर रहा है तो वो कौन सा प्लास्ट कहलाएगा? एमाइलोप्लास्ट। ठीक है जी, तो बेसिकली आपने तीन पढ़े हैं, क्रोमोप्लास्ट पढ़ा है आपने, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट पढ़ा है और लीकोप्लास्ट पढ़ा है। आगे से मजीद की टाइप्स जो है आपको इस क्लास के अंदर नहीं बताएगी, लेकिन जनरली आपके माइंड में होना चाहिए। लोकेशन कहाँ कहाँ है इनकी? इस डायग्राम के अंदर बेटे आप देख सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ मौजूद हैं। जो जहाँ पे बन रहे हैं नए सेल बनते हैं, कहाँ पे बनते हैं? आपके पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में बनते हैं, तो शूट एपिकल मेरिस्टेम होगी और एक रूट एपिकल मेरिस्टेम होगी, दोनों जगहों पे आपके पास प्रोप्लास्टिड मौजूद होंगे जो कि क्या है? बेसिकली प्रिकर्सर्स ऑफ द प्लास्टिड, वो स्ट्रक्चर्स जिनसे आपके पास प्लास्टिड बनेंगे डिफरेंट तरह के। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर रूट में भी देखें प्रोप्लास्टिड्स मौजूद होते हैं। अब रूट के जो प्रोप्लास्टिड्स हैं वो क्या बनाएंगे? वो आपके पास अमाइलोप्लास्ट बना सकते हैं, ठीक है, लीकोप्लास्ट और डिफरेंट जो आपने फॉर्म्स पढ़ी हैं वो बना सकते हैं, जो कि बेसिकली क्या है? स्टोरेज ऑर्गन्स भी मौजूद होते हैं रूट, फ्रूट एंड सीड एंड स्टेम में भी हो सकते हैं, ठीक है, और मोस्टली कलरलेस होता है। और अगर आप एरियल पार्ट्स में देखते हैं तो यहाँ पर जो रेड और येलो फ्रूट्स हैं और जो फ्लोरल पार्ट्स हैं पेटल्स वगैरह या रूट में भी कैरेट्स वगैरह में, उसमें मोस्टली क्रोमोप्लास्ट मौजूद होते हैं, ठीक है। और ये जो क्रोमोप्लास्ट हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके अंदर डिफरेंट पिगमेंट्स आपको दिखाई देंगे। अगर तो वो ग्रीन पार्ट है इम्पार्ट कर रहा है एरियल पार्ट्स में, जैसे कि आपके पास लीव स्टेम हो गया, सेपल पिस्टल्स वगैरह हो गए, तो वो क्या है आपके पास? क्लोरोप्लास्ट।
और अगर आपके पास कुछ ऐसे होते हैं लीव जो कि डेड हो रहे हैं, उनके अंदर आपके पास सेंसरिंग प्रोसेस हो रहा है, लीव सेनेसेंस हो रही है, तो आपके पास फिर ये एक स्पेशल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि एजिंग क्लोरोप्लास्ट क्या कहलाता है, आपके पास सेंसिंग क्लोरोप्लास्ट क्या कहलाता है, गेरेंटोप्लास्ट, ठीक है, गेरेंटोप्लास्ट की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वो डिफरेंट पार्ट्स हैं जहां पर आपके पास आपको प्लास्टिड्स मिल सकते हैं। अब हम देखते हैं जो कि मेजर चीज़ है बायो के अंदर, जो कि आपने बायो एनर्जेटिक्स में भी पढ़ना है। जैसे यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर आप देखें, आपको प्लांट सेल्स दिखाई दे रहे हैं और ये आपको सेल वॉल दिखाई दे रही है इनकी, ठीक है, ये आप सेल वॉल देख सकते हैं। और ये अंदर क्या है, ये क्या है आपके पास ग्रीन कलर के, दीज आर क्लोरोप्लास्ट बिकॉज दे इम्पार्ट ग्रीन कलर। एंड वाई दे आर सो, उनका स्ट्रक्चर जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा वाई दे आर सो। तो मोस्टली ये होते कहाँ पे, आपके पास प्लांट सेल्स के अंदर होते हैं, ठीक है, आपको जो मिलेंगे प्लांट सेल्स के अंदर ये इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, जहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है। ये क्या है आपके पास, बेसिकली दीज आर क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो हैं उनका अगर स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इसकी, ये देखें डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, जिसको हम इन्वेलप कह रहे हैं, और अंदर आप देख सकते हैं ये देखिए लग रहा है कि छोटी छोटी बोरियां या सिक्के जो हैं आपके पास आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें, सॉरी, ये आप देख सकते हैं ये चीज़। ये सारी चीज़ें क्या हैं, दीज आर कॉल्ड ग्रेना, और डिफरेंट ग्रेना एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ये देखें ये लाइन्स जो इसको कनेक्ट कर रही हैं, ये देखिए ये क्या है, दिस इज कॉल्ड इंटरग्रेना, ठीक है। और दरमियान में जो स्पेस है, जो खाली जगह है, यहाँ पर आपके पास आपको डिफरेंट फ्लूइड मिलेगा, डिफरेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं जी। इसी के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा आप थोड़ा सा कलरफुल बना के, ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के स्ट्रक्चर को, हम देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं बेटे इन्वेलप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इन्वेलप जो है उसमें आपके पास दो तरह की मेम्ब्रेन्स हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगी, एक इनर मेम्ब्रेन हो जाएगी, और अंदर जो है आपके पास लैमिली है, ठीक है, लैमिली जो है वो इंटर जो ग्रेना है उसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास आप देख सकते हो राइबोसोम्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो एक, अब आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है, थैलाकॉइड है। ऐसे ये बहुत सारी जो कट्ठी के पूरा पाइल बना रही हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम ग्रेनम बोल रहे हैं। देखिए पूरा जो स्टैक बन गया है, एक दूसरे के ऊपर पाइल अप हुई हुई है, तो ये ग्रेनम है। अकेला होगा तो थैलाकॉइड होगा। थैलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन होती है वो ग्रीन होगी, और जो इंटरग्रेना होगा वो ग्रीन नहीं होगा, वो फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले नहीं करता। और हमें पता है कि थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन ग्रीन क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल अटैच होता है, क्लोरोफिल मौजूद होता है। अगर इसको काट के हम देखें ग्रेना को, तो ये आप देखें ये आपको दिखाई दे रहा है, ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है, ये जो हर एक जो उसको घेरे हुए थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है, और उसके अंदर जो येलो कलर का ये दिखाई दे रहा है आपको, ये ल्यूमन है, ठीक है। और आपके पास यहाँ पर डीएनए भी दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, तो इट मींस इसके अंदर इसका अपने राइबोसोम्स भी हैं, इसके अंदर अपना इसके पास क्या मौजूद है, डीएनए भी मौजूद है। तो इट मींस ये क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है ना, ठीक है। और यहाँ पे आपको स्ट्रोमा भी दिखाई दे रहा है, और हमने देखा था कि स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शंस, डार्क साइकिल चल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हो रही है, जबकि थैलाकॉइड के अंदर जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है स्पेशली, इसके अंदर क्या हो रहा है, लाइट रिएक्शन हो रहा है, कि लाइट जो सनलाइट है आपके पास वो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो सनलाइट अगर आपसे कोई पूछे कहाँ एब्जॉर्ब हो रही है, तो आप बताओगे सनलाइट जो है आपके पास वो एब्जॉर्ब हो रही है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। और स्ट्रोमा के अंदर क्या हो रहा है, स्ट्रोमा के अंदर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिक्स हो रही है, और वहाँ पर शुगर्स वगैरह बन रही हैं, और वो शुगर फिर बाद में प्रोटीन में कन्वर्ट होती है या लिपिड में कन्वर्ट होती है, वो फिर बाद की बात है। तो बेटे दैट वॉज ऑल अबाउट दी थैलाकॉइड एंड स्ट्रोमा। तो ये बेटे आपके पास हमारे पास स्ट्रक्चर था प्लास्टिड में से क्लोरोप्लास्ट का। तो आपने देख लिया कि आपके पास प्लास्टिड्स डिफरेंट तरह के होते हैं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट जो वो मेजर इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले कर रहा है, क्योंकि ये आपके पास फोटोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फोटोसिस्टम की फॉर्म में अरेंज होता है जो आपके क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स हैं, और लाइट जो है वो आपके पास सनलाइट से आके वो यहीं पे ग्रेना में जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है उसमें कैप्चर होती है। और ये स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा के अंदर क्या चीज़ चल रही है, केल्विन साइकिल आपका चल रहा है, डार्क रिएक्शन चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद एंड पे क्या बन रहा है आपके पास, ग्लूकोज वगैरह बन रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके पास कहाँ हो रही हैं, फोटोसिंथेसिस का ओवरव्यू है, जिसमें लाइट और डार्क रिएक्शन दिखाई दे रहे हैं आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो क्लोरोप्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस हवाले से, यही जो टॉपिक है ये आपका बायोएनर्जेटिक्स में भी कवर होगा इंशाल्लाह ताला। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।